हेलो who वेलकम टू like शो टुडे वी हैव एन एक्टर become लाइक अ गोल्डन कॉइन हिज नेम हैज बिकम given विद द वर्ड टैलेंट एंड ही वर्ड डेयरिंग ही स्टार्टेड विद थिएटर एंड स्टिल डूइंग इट टू बैगिंग द लीड रोल इन द बिगेस्ट शो ऑफ इंडिया वो कहते हैं ना लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा ना डार्लिंग सर्च कर रहा है मिला रहा है पूरी शक्ल फिर अपनी बीवी की तरफ गया तो बोलता है ऐसे कुछ बताया उसके कान तो बीवी ने भी ऐसे करके <laughs> लेकिन मेरी तरफ नहीं आए दोनों में से कोई मेरी तरफ नहीं आया नमित भी मुझे जब वो आया था बोलता यार तुम लोग चिली चलेगा शो करने के लिए चिली में शो कौन करता है यार जाके <laughs> ये अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ मेरा डुप्ले है अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ तो ये नीचे से मुझे बुलाता रहता है मैं, 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 करके नीचे आओ नीचे बैठो हमारे साथ डायरेक्टर uh, से बात की किसी असटेंट uh, डायरेक्टर से बात की या अपने फ्रेंड से बात की और वो बात का कुछ नई बात बन पाई तो मैं ऐसा करता हूँ देखा ब्रूस यही है यार दुनिया अब नए जो रोल्स ऑफर हो रहे हैं आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू हाउ टू मेक दैम यू नो डिफरेंट और हाउ टू चूज़ अ रोल विच इज़ विच इज़ हैविंग अ लिटिल डिफरेंट इम्पैक्ट बिकॉज हमारे यहाँ इंडस्ट्री में माने या ना माने एक टाइप कास्टिंग हो जाती है <laughs> शुरू करता हूँ कि मतलब जस्ट आप बताओ कि आपको शौक किस किस चीज़ का है किस चीज़ के शौकीन हो पेपर के अलावा <laughs> <laughs> स्टैंप पेपर का तो बिल्कुल शौक नहीं है रियल लाइफ में मैं कोर्ट कचहरी के कोई भी काम हो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवाना हो या कुछ भी कोई भी काम करना हो मुझे इतनी कुफ्त होती है इतना मुझे सरदर्द होता है कि मेरा बस चले तो मतलब मैं ये सारे जो लीगल काम है ना ये बस मुंह बोले ही करवा दूं और भरोसा रखो ना इंसान पे हो जाता है यार सब बट वैसे मैं अगर कहूँ तो आ, शौक है म्यूजिक का म्यूजिक लाइक लिसनिंग और यू सिंग आल्सो आई सिंग आल्सो आई एम नॉट अ ट्रेन सिंगर मैं मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है लेकिन मुझे uh, मौका uh, मिला था मेरे थिएटर करियर में बिकॉज uh, मैं गा सकता था थोड़ा बहुत तो मुझे कुछ म्यूजिकल प्लेस करने का मौका मिला और वहाँ पर ही जो मेरी बेसिक ट्रेनिंग या आप ट्रेनिंग कह लो या एक थोड़ा uh, आपकी जानकारी बढ़ती है ना जब आप uh, शुभ मुदगल जी के साथ बैठते उठते हो या आप नमित दास जैसे सिंगर के साथ उठते बैठते हो जब आप म्यूज़िकली आप विशाल भारद्वाज जी का का म्यूज़िकल करते हो तो आपको उनके साथ उठते बैठते बात करते हुए कुछ ना कुछ तो पता लगता ही रहता है कुछ राग पता लग जाते हैं ज़्यादा नहीं तो सिर्फ नाम नाम ठोक देते हैं कई बार हम लोग अरे ये थोड़ा दरबारी लग रहा है ये थोड़ा यू नो भैरवी लग रहा है बड़ा आपको uh, इंटरेस्टिंग लगता है म्यूजिकल थिएटर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे बहुत मजा आता है म्यूज़िकल थिएटर करके मैंने अपनी जिंदगी में कुछ uh, uh, ka, ना भी बोला जाए तो स्टोरीज इन अ सॉन्ग पिया बुपिया मानसून वेडिंग द म्यूजिकल देन ख्वाबसा और उसके अलावा uh, आज रंग है ये बहुत सारे मतलब छः सात म्यूजिकल्स मैंने किए हैं जिनमें मैं गाना भी गाता हूँ हाँ सो so, मैं बोल रहा था कि मैंने uh, तीन साल थिएटर किया बाहर लंडन में आई ट्रेनिंग तो वहाँ पे जो म्यूजिकल थिएटर का पूरा मैडनेस था बड़ी बड़ी प्रोडक्शन्स कमर्शियल प्रोडक्शन्स तो मुझे बस ये लग रहा था उस टाइम पे कि इंडिया में ये काफ़ी मिसिंग है दिस क्रेज़ इज़ मिसिंग तो लाइक फॉर एन ऑर्डनरी पर्सन कैन इज़ देयर अपॉर्चुनिटी इंडिया में और यू थिंक वहाँ का थिएटर करने का जो स्टाइल है या थिएटर का जो कल्चर है और हमारे यहाँ का जो थिएटर का कल्चर है उस उसमें काफ़ी फ़र्क है बहुत अलग तरीके से थिएटर होता है वहाँ पे आई थिंक थिएटर इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री ओवर देयर जबकि थी अभी हमको हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ही इंडस्ट्री बने हुए कुछ साल हुए हैं तो थिएटर तक ये बात पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा बट पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है जैसे डिज्नी ने यहाँ पे आके ब्यूटी एंड द बीस्ट किया है या अला दिन के शोज किए हैं अभी एन एम आ गए बहुत बड़े बड़े जहाँ पे, पे वैसा स्टोरी आई है और अभी मामा uh, मियाँ चल रहा है एंड आई थिंक पॉसिबली शायद अगले साल मानसून वेडिंग द म्यूजिकल हम लोग वहाँ पे करें विच वी रिसेंटली डिड इन न्यूयॉर्क ब्रुकलिन Uh, तो uh, अभी चीज़ें होनी शुरू हो रही हैं और आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव वे ऑफ गोइंग अबाउट इट कि अगर आपने ये चीज़ सीखी है और जब तक ये चीज़ बड़े लेवल पे नहीं होती तो आप किसी ना किसी लेवल पे उसको कोशिश करते ही रहोगे mm -hmm. स्टोरीज इन अ सॉन्ग एक एक्सपेरिमेंटल प्ले के तौर पे शुरू हुआ था और हम लोग उसका सिर्फ एक ही शो करने वाले थे आ, वो एक बाजा गाजा नाम का एक फेस्टिवल था पुणे में जहाँ पे शुभा मुदगल जी ने उस शो को कंसीव किया और सुनील शानबाग जी ने डायरेक्ट किया हम लोगों के ऑडिशन लिए गए हमने हमारे पास काम नहीं था कुछ भी तो सुबह सुबह ऑडिशन का कॉल आया तुम करना चाहोगे अगर गाना गाते हो तो आके एक गाना गा के दिखा दो तो मैंने शुभा जी के सामने गाना गाया उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा तुमको इतना आता इतना आता तुम ये वाले पार्ट गा सकते हो तुम वो वाले पार्ट गा सकते हो और ऐसे करके मुझे वो काम मिल गया वहाँ पर जब वो पहला शो हुआ तो ऐसा रिस्पॉन्स मिला हमको कि उसके बाद में वो प्ले ग्यारह साल तक लगातार परफॉर्म कर रहा था एंड वी परफॉर्म मोर देन टू हंड्रेड शोज ऑफ इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और कोई उससे फ़ायदा मॉनिटरिली शायद मुझे उतना नहीं हुआ होगा लेकिन स्टोरीज इन अ सॉन्ग में मुझे अतुल कुमार ने देखा और उन्होंने मुझे पियाबा रुपया में कास्ट किया बिकॉज वो म्यूजिकल बना रहे थे ऑन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट तो जब और उसकी ओपनिंग होने वाली थी लंडन में शेक्सपियर ग्लोब में वो भी हम लोग सिर्फ वहाँ के चार शोज़ के लिए तैयार करके गए थे लेकिन जब वापस आके हमने एक बार यहाँ पे रन रं किया रंग शारदा में बैंड्रा में जो क्रेज़ हम लोगों को दिखा उस प्ले का उसके बाद में हम लोग 12 साल से वो शो कर रहे हैं हमने तीन तीन सौ के आसपास उसके शोज़ कर लिए एंड नॉट ओनली इन इंडिया वी परफॉर्म इन फेस्टिवल्स लाइक चिल uh, चिली का एक नेशनल फेस्टिवल थिएटर फेस्टिवल हमने चाइना में उसे परफॉर्म किया है कोरिया uh, कोरिया में परफॉर्म किया है हमने उसे लंडन कैनेडा शिकागो फ्रांस नीस व, मतलब ये सारी जगह पर हमने उसके शोज किए हैं और मैं ये बात मैं पूरे दिल से कह सकता हूँ कि बिकॉज वी वो परफॉर्मिंग सो मैनी शोज कहीं ना कहीं उस प्ले की वजह से मेरा घर भी चल रहा था मैं रेंट दे पा रहा था या मैं अपने बेसिक खर्चे उठा पा रहा था इनका बजट भी ज़्यादा होता होगा ना फॉर एक्टर्स की नहीं नहीं भैया ट्रैवलिंग सो मच ये सब ये तो बहुत हाँ लेकिन ये सब हम लोग कोई स्टार्स नहीं थे ना हम लोग तो नॉर्मल कलाकार ही थे और ये हम लोग वहाँ के नेशनल फेस्टिवल्स में जा रहे हैं hmm. तो यस बिकॉज इट इज फ्रांस डेफिनेटली द द एक्सचेंज रेट वुड बी बेटर लेकिन पैसा उस हिसाब से वो उतना ही दे रहे जितना यहाँ पे हमको मिल रहा है लाइक फॉर यहाँ पे हमको एक शो का एक पृथ्वी पे हुए शो का पंद्रह सौ से दो हजार रुपये पर शो मिल जाता है दैट्स द बेसिक बट आप तो फिर काफ़ी वेल ट्रेवल्ड इंसान हो मतलब इस प्ले की वजह से काफ़ी कुछ देखने को मिला काफ़ी डिफरेंट तरह की ऑडियंस को देखने को मिला उनका रिएक्शन देखने को मिला मुझे आज याद है सबसे ज़्यादा मेरा खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ था चिली में रंकावा स्टेडियम करके था जहाँ पे बुल्स की फाइटिंग होती थी हाँ। फिर वो बुल्स फाइटिंग पे बैन लग गया तो अब उन्होंने वो थिएटर जो है वो इतना बड़ा लाइक एन ओलंपिक थिएटर जैसा होता है ना पूरा वैसा वो थिएटर था और वो बुल्स की फाइटिंग उन्होंने बंद कर दी तो पहली बार हमारा उन्होंने नेशनल फेस्टिवल का कोई प्ले वहाँ किया था सेंटर ऑफ द स्टेडियम एक स्टेज लगा था एंड शा शाम को जब हम लोग एंटर कर रहे थे बस में वहाँ पे कम से कम साढ़े तीन चार हजार पाँच हज़ार जैसे कोई रॉक कॉन्सर्ट होता है वैसे ऑडियंस बैठी हुई थी और जैसे हम लोग बस में आए वो सारे हमारी तरफ देख के ऐसे चलाने लगे जैसे ना कैसे सचिन तेंदुलकर की या क्रिकेट टीम की बस जाती है और लोग कैसे पागल होते हैं तो वो एक्सपीरियंस आज भी मुझे याद है कि हम लोग गए हमने सबको ऐसे 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 किया एंड दैट टाइम वी फेल्ट लाइक वी आर स्टार्स फ्रॉम इंडिया कम टू परफॉर्म अ कॉन्सर्ट कॉन्सर्टर यू नो दैट दैट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल नाइट हमने पाँच हज़ार लोगों के सामने जब परफॉर्म किया बिगर स्कैम दैट इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर लाइक स्कैम में सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये है कि जो चीज़ मैं पर्दे पे दिखती है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मुझे सड़क पे कोई नहीं पहचान रहा बहुत इक्का दुक्का लोग ही होंगे जो ऐसा और वो भी डाउट करते रहते हैं कि है या नहीं है? है या नहीं है ऐसे करते रहते हैं तो मुझे कोई ज़्यादा पहचानता नहीं है मैं दिल्ली से वापस आ रहा था अभी तो मुझे एक आदमी मुझे मिला और उसने मेरी आंखों में आंखें डाली उसने बोला गगन सर मैंने बोला यस yes. तो बोला सर कैन आई टेक अ पिक्चर बो मैंने कहा ओके ठीक है फिर मैं एक लाउंज में जाके बैठ गया क्योंकि मेरी फ्लाइट दो घंटा बाद में थी और मैं बैठा हुआ और मेरे ऑपोजिट सीट पर एक कपल बैठा है वो थे ना सोफ़ा से अपोजिट ऐसे बैठा के तो मैं बैठा हूँ आई एम हैविंग माई बियर और uh, मैं बैठा हूँ बैठा हूँ इधर उधर देख रहा हूँ और वो मुझे देखता जा रहा है थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन निकाला और फिर उसने ऐसे ऐसे करना शुरू किया कुछ और फिर ऐसे ऐसे सर्च कर रहा है सर्च कर रहा, रहा है मिला रहा है पूरी शक्ल फिर अपनी बीवी की तरफ गया yeah. तो बोलते हैं तो है, ऐसे कुछ बताया उसके कान yeah. में तो बीवी ने भी ऐसे करके लेकिन मेरी तरफ नहीं आया दोनों में से कोई मेरी तरफ नहीं आया मैंने कहा थैंक यू थैंक यू फॉर लिविंग मी माय प्राइवेसी आपको पता लग गया कि मैं कौन हूँ ठीक है उतना है अब जरूरी नहीं कि हर बार आप सर पिक्चर सर पिक्चर खिंचवाते रहो तो आई रियली लाइक द रिस्पेक्ट दैट ही गेम मी बट ही आई थिंक ही कुड रिकग्नाइज मी बाकी प्लेन में कोई नहीं पहचाना सर वो लॉन्च वाला था ना अगर कोई बिना लॉन्च के खड़ा होता वो तो आ ही जाता उनका अपना वो रहता है कि यार हम हाँ वो भी है लॉन्च वाला था तो थोड़ा सा ऐसा जरूरी भी नहीं है क्योंकि एक, एक दो लोग ही पहचानते हैं नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ है कि मैं सड़क पे चला हूँ और सब लोग बोल रहे हैं कि यार ये कौन जा रहा है टाइप्स वैसा नहीं हुआ है कोई मेरे साथ क्या हुआ था अब ये हाँ। इसी से तो एक बार थेवा मालिनी जी चल रही थी एयरपोर्ट पर तो माई फादर इज़ अ बिग फैन एंड उन्होंने मुझे क्या बोला अब उनको फोटो चाहिए थी उनके साथ या तब ऑटोग्राफी होता था फोटोज बहुत टाइम हो गया हाँ। तो उन्होंने खुद दी गए मैं बोला तू जा तू जा मैं कुछ साइकिल या कुछ दूंगा या कुछ तू जा मतलब वही वाली मेंटालिटी हाँ, है कि रही वो करना है बट कैसे करना होती है ना हर एक के अपने अपने हाँ हा, तो वो तो फ़र्क ये है फिर कि वो और वो पहली बार हुआ था हमारे साथ वैसा कि हम पाँच हज़ार और वो भी हमारे देश के लोग नहीं हैं वो किसी एक दूसरे कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड मतलब चिली कौन जाता है शो करने यार चिली में किसने शो किया जाके मुझे नहीं पता तो नमित भी मुझे जब वो आया था बोलता यार तुम लोग चिली चले गए शो करने के लिए चिली में शो कौन करता है यार जाके <laughs> इतनी दूर का कनेक्शन कैसे लगा तुम्हारा तो ये uh, काफ़ी मज़ेदार था वो एक्सपीरियंस और uh, बहुत दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द थिएटर एंड जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे uh, स्कैम में ऐसा हो रहा है कि मैं एक परफॉर्मेंस कर चुका हूँ और उसके कुछ छः सात महीने बाद मुझे उसका रिएक्शन मिल रहा है अब मुझे याद भी नहीं कि मैंने अच्छा किया था कितना अच्छा किया था थिएटर में सबसे मज़ेदार बात होती है कि आप परफॉर्म कर रहे हो ऑडियंस के सामने और वो उसी वक्त आपको बता देती है अच्छा है कि बुरा है है ना और आप आपको खुशी लेके घर जाते हो और अगले दिन और प्रिपेयर करके आते हो आज भी करोगे थिएटर हाँ बिल्कुल अच्छा अगर नहीं मैडम नॉट बिग करोटम डायरेक्टर विद विद गुड स्क्रिप्ट यस यस नॉट नॉट आई आई एक्चुअली लाइक टू वर्क रैंडम डायरेक्टर ओनली बिकॉज बिग नेम्स कभी कभी फंस जाते हैं बिग uh, नेम्स जो हैं वो अपने उसी सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं तो अगर कोई नया जैसे मेरा एक दोस्त है राघव दत्त इज़ अ वेरी गुड राइटर मैंने उसके साथ एक प्ले किया था परे जो मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट रोल्स ऑन स्टेज है अभी हम लोग वापस डिस्कस कर रहे थे कि नाउ दैट आई हैव फाउंड दिस न्यू पॉपुलैरिटी और वॉट एवर वी कैन री विजिट दैट प्ले एंड वी कैन री ओपन दैट प्ले सो द टॉक्स आर गोइंग गिव्स मोर मोर बूस्ट बूस्ट गिव टू द टिकट सेल्स ऑल्सो ताकि प्रोड्यूसर का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए यू नो तो बिल्कुल करूंगा और नए लोगों के साथ ही करने में मज़ा आता है और आप शौक की बात कर रहे थे आपने हाँ तो म्यूजिक है शौक फिर मैं मैं गेम्स खेलता हूँ मैं मेरे पास पी एस फाइव मैंने अभी नया नया लिया अच्छा कौन सी गेम मैं इस वक्त खेल रहा हूँ गोस्ट ऑफ़ सुशीमा एंड कम्प्लीटली इमर्स मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में खेल रही है तो कभी कभी वो खेलती कभी मैं खेलता हूँ हम दोनों ऐसे शेयर करते रहते हैं टाइमिंग इससे पहले मैं खेल रहा था गॉड ऑफ वॉर रेगुलर फीफा वाले हो नहीं मैं मैं मोस्टली स्टोरी बेस्ड रोल प्लेइंग गेम्स जो होती हैं uh, जिसमें एक स्टोरी फॉलो करनी है या फिर ओपन वर्ल्ड स्टोरी जैसे रेड डेड डिटेम्शन हो गया या फिर असासन स्क्रीड uh, ये वाली गेम्स में जाता मैं पी एस फोर तक बहुत एडिक्टेड था आ? फिर छूट गया सब छूट तो मेरा भी है आजकल लेकिन पर ये भी दो टाइप के लोग होते हैं ना एक एक्सबॉक्स वाले एक पीएस वाले एक्चुअली <laughs> <laughs> फर्क कुछ नहीं है दोनों सेम ही है ये वो है नाइकी है एडिडास जैसा प्रेफरेंस हो जाता है अभी देखो शूज शूज तो है वे वे सब अपना अपना कंफर्ट है yeah. आ, तो आ, मैं पीएस मैं तो पीएस5 वाला इसलिए भी बना क्योंकि मुझे पीएस4 जो था पीएस3 मेरे भाई ने गिफ्ट किया था 2012 में पी एस दिया था उसने मुझे और मैं अपने दोस्तों को घर पे बुला लेता था सैटरडे को जो जॉब वाले दोस्त होते थे मेरे वो आते थे और आ, हम लोग वॉटका खरीद लेते थे ठीक है छोटे छोटे पैक बनाने और तरब पी एस में क्या होता था स्प्लिट स्क्रीन वाली गेम्स होती थी सो यू कुड प्ले विथ योर फ्रेंड्स मतलब ऊपर वाली स्क्रीन मेरी नीचे वाली तेरी साथ में खेलते हैं हम लोग तो हम लोग साथ में खेलते थे अगले दिन सुबह पिज़्ज़ा मंगाया जाता था फिर सारा दिन गेमिंग होती थी सारा दिन गेमिंग होती थी क्योंकि संडे को फिर वो चला जाता था क्योंकि मंडी को उसका ऑफिस है तो ऐसे हम लोग बहुत uh, मैंने बहुत मतलब साल बिताए हैं जहाँ पे सिर्फ थिएटर तभी होता था जब शोज होते थे उससे बीच में कुछ नहीं होता था और वो बहुत खेलता था डब्ल्यू डब्ल्यू ई मैं बहुत बड़ा फैन था डब्ल्यू डब्ल्यू तो यही खेलता था बस एंड जर्नीट एंड अवलियर आई है बट दोनों चले गए करेक्ट आई एम रॉन्ग ऐसे ये प्रेफरेंस लोग नहीं होते फिक्स जो डॉग्स वाले होते और कैट्स वाले अलग होते हैं कि नहीं यार सुना है ये आर यूट पर्सन आर डॉग पर्सन काइंड ऑफ क्वेश्चन लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ज़्यादा क्या पसंद है uh, अभी मेरा जो बिल्ला है ब्रूस उसका नाम है जिसकी मैंने कुछ दिन पहले फ़ोटो भी डाली थी इंस्टा पे वो इतना कुत्ते जैसा बिहेव करता है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये बिल्ला है कि कुत्ता है वो जब मैं आता हूं तो म्या, 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 मैं मैं कहता तो ये तू तो, तो भौंकने की कोशिश कर रहा है क्या और वो मेरे पास पास घूमता रहता है मेरे पीछे पीछे मैं ऊपर जाऊँगा तो तो कैट्स को पसंद नहीं है ज़्यादा वगैरह इसको बहुत पसंद है ये अंदर घुस घुस के सोएगा इसको चौबीस घंटे चाहिए ये अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ मेरा डुपले है अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ तो ये नीचे से मुझे बुलाता रहता है मैं 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 करके नीचे आओ नीचे बैठो हमारे साथ आपने क्यों चूज किया कैट एक्चुअली चूज मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने चूज मैंने डॉग किया था पहले एक कैट जो थी वो ऑलमोस्ट मेरे दहेज में मिली है मुझे uh, मतलब uh, मेरी जो पार्टनर है मलिका uh, उसकी पाली हुई वो बिल्ली थी सबकी स्टोरी है और वो आई जब साथ में तो उसकी बिल्ली साथ में आ गई <laughs> uh, <laughs> अच्छा जिंदगी हंसते खास चल रही थी एकदम एक रात को हम दोनों कैरम खेल रहे थे ग्यारह बजे कुछ साढ़े बजे का टाइम था और मेरे घर के बाहर ना एक नेट लगा हुआ है तो खिड़की है ओपन वाली बड़ी वाली तो नेट लगा हुआ है अंदर कुछ आ नहीं सकता नेट के बाहर पैरापीट के ऊपर मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ एक छोटा सा इतना सा काला बिल्ली का बच्चा बैठ के रात के साढ़े ग्यारह बजे मैं 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 कर रहा हूँ और हम लोग बोल रहे हैं टकबक तो यहीं बैठी है टकबक इज द द कैट द फीमेल कैट जो उनके साथ आई थी तो टकबक तो यहीं बैठी है तो ये म्याओं म्यां कहाँ से आवाज़ आ रही है तो हमने ऐसे खिड़की खोल के देखी तो वहाँ कॉर्नर में एक छोटा सा बच्चा पिल्लू बैठा हुआ है बिल्ली का मैंने बोला ये यहाँ तक पहुँचा कैसे रात को हमको समझ में नहीं आया फिर मैंने वो नेट काटा और उसको किसी तरह से मैंने अंदर लाने की कोशिश की इमीजिएटली उसने मेरा सहारा लिया मतलब ही अंडरस्टूड दैट मैं उसको बचा ही रहा हूँ और वो अंदर आ गया एंड सिंस देन वो अभी फिर हमने सब बिल्डिंग में पूछा सब लोगों से किसका कोई है क्या कोई बच्चा खोया है क्या बिल्ली का कोई जवाब नहीं मिला हमने तो फिर हमने उसको जो भी इंजेक्शन वगैरह होते हैं जो भी उसका बेसिक होता है रख लिया अभी वही है ब्रूस अभी वो ब्रूस वेन है वो ब्रूस बन गया अभी दो साल से एंड इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट हेम बिकॉज उसके आने के एक या दो दिन बाद ही मुझे स्कैम में कास्टिंग हुई थी इट्स अगेन लाइक लिटल बट ऑनेस्टली क्या इम्पैक्ट पड़ता है पेट एट होम लाइक जेनुअनली आई जस्ट वॉन्ट टू नो मैंने बहुत लोग ना बहुत पैशनेट होते हैं अबाउट आई डोंट हैव इट सो दैट्स वाई बट आई एम अब मैं थोड़ा इंक्लाइन हो रहा हूँ उस डायरेक्शन में तो मैं अभी उसी डिबेट में हूँ आप कन्विंस कर दो मुझे it's therapeutic, यार इट्स इट्स आल्सो लाइक इट्स लाइक हैविंग अ पार्टनर इट्स लाइक हैविंग मॉम एंड डैड इट्स लाइक इट्स लाइक हैविंग समबडी इन लाइफ जिसको आप चाहो तो कभी हक कर सकते हो या कभी तुम्हारे पास अगर जैसे आपके आप कभी कभी आप बहुत लोनली फील कर रहे हो आपको नहीं पता तो अगर वो पास आके आपके बैठ जाता है तो आपको अच्छा लगता है कि कोई तो मुझे पसंद करता है आपको भी एक वैलिडेशन मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इट्स इट्स नॉट दैट वी नीड देम और दे नीड अस इट्स अ म्यूचुअल नीड दैट एनी वॉट यू कॉल लिविंग क्रीचर हैजूवर्ड्स इच अदर मतलब आप घोड़ा भी पाल लोगे तो घोड़ा भी आपको प्यार करने लग जाएगा आप पैरेट पाल लोगे तो पैरेट भी आपके साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा वो मुझे लगता है दैट्स दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिविंग ब्रीदिंग क्रीचर वी ऑल आर लाइक दैट वी ऑल नीड सम काइंड ऑफ लव गि आई आई डोंट नो इफ आई एम राइट इन सेट टेक्निकली दे कान स्पीक है ना आजकल हम बोलते ही है कि मतलब यू नो लाइक वी वॉन्ट समन टू लिसन टू अर्स एंड नॉट गिव देर एडवाइस तो दैट बिकम्स द बेस्ट लिसनर सामने मुझे लगता है वो हर बंदा अपने हिसाब से लॉजिक लगाता रहता है ना जैसे जैसे मैं मैं ज़्यादा नहीं बोलता Uh, मैं इसमें भी नहीं बोलता लाइक फ्रेंड सर्कल में भी बैठा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं कई लोग होते हैं न भग बग भग बग भगक 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 कुछ कुछ ना कुछ टॉपिक निकाल के बात करते रहते हैं मैं थोड़ी देर बाद चुप हो जाऊँगा मैं अपनी बात कह दूँगा और चुप हो जाऊँगा लेकिन कई बार मुझे दिल करता है कि जब ब्रूस या टकबक अकेले घर में और मैं अकेला हूँ और uh, जैसे मैंने किसी से बात की किसी चीज़ के बारे में किसी डायरेक्टर uh, से बात की किसी असिस्टेंट uh, डायरेक्टर से बात की या अपने फ्रेंड से बात की और वो बात का कुछ नई बात बन पाई तो मैं ऐसा करता हूँ देखा ब्रूस यार दुनिया तो अब लाइक दिस इज़ द कनेक्शन आई हैव सारे लोग अपने हिसाब से मुझे लगता है वो बनाते हैं अपना रिश्ता और इसी पे पूरी दुनिया कायम है सही बात ना <laughs> 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 तो कैसा हो रहा है सारा चेंज वगैरह वट द फीलिंग मतलब एक तो चलो लाइक पर्सनली आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड माइंड में क्या चल रहा है अभी uh, सबसे ज़्यादा जरूरी तो माइंड में ये चल रहा है कि आई नीड टू गेट बैक टू माई रूटीन दैट इज माई हेल्थ रूटीन जो मैं हमेशा से करता आया था लेकिन तेलगी करने के चक्कर में बहुत कुछ छूटा है मुझसे हाँ तो जिंदगी में बहुत सारा रायता फैला है लाइक मुझे मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं रोज सुबह उठता हूँ जब भी जितने बजे भी उठता हूँ मैं अपना एक गर्म पानी का गिलास शहद डाल के पीता हूँ ठीक है आ, उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें चेक करता हूँ जैसे फ़ोन में क्या मैसेजेस आए या अखबार पढ़ना या उसके बाद में एक्सरसाइज करता हूँ फिर मैं नाश्ता करता हूँ तो ये सब करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है मतलब टाइम की बात नहीं है छूट गया क्योंकि एक्सरसाइज छूट गई थी शूटिंग के दौरान छूट गई थी उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया था क्योंकि जब जब तक शूटिंग शुरू नहीं हुई थी तब तक वेट गेन जो हो रहा था वो न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से हो रहा था उनको फॉलो कर पा रहा था शूटिंग के दौरान कई बार हम लोगों को लंच ब्रेक वगैरह भी नहीं मिलता था क्यों क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई ये हो गया चलो अभी वर्किंग लंच करेंगे ऐसा बहुत बार होता था तो फिर वो वो ना वो शेड्यूल जो होता है जो आपका वो टूट जाता है आपको आप वो फिर फिर उसको मेंटेन करने के लिए आप कुछ भी खाने लग जाते हो जैसे शाम को समोसे आए तो फिर तीन ले लिए समोसे बिकॉज मेंटेन तो करना है वेट को नहीं तो अगले दिन दिखेगा नहीं mm -hmm. तो इस तरह का बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें बीच में होने लग गई थी एंड दैट एक्चुअली रिजल्टेड कि वो रिजीम टूट गई mm -hmm. तो रिजीम टूट गई फिर अभी उसके बाद में जब शूटिंग कंप्लीट हुई तो मैं न्यूयॉर्क गया था मानसून वेडिंग के शोज के लिए वहां जाके वो रिजीम मिली मुझे वापस जब वापस आया तो स्कैम फिर से रिलीज हो गया तो पार्टी शुरू हो गई अब पार्टी शुरू हो गई तो रिजीम फिर से टूट गई अब पार्टी एक महीने तक चली मतलब पहले दिन चार लोग हैं दूसरे दिन लोग हैं फिर एक दोस्त आ गया फिर कोई और पुराना दोस्त आ गया फिर और कोई आ गया रोज मैं किसी से मिल रहा हूँ रोज पार्टी हो रही है। मतलब निकल लिया बाहर जेमसन हो गया आ, फिर आ, अपना क्या दूसरा क्या है Jack Daniel. Jack हो गया, सब खुल गया बीच में मैं धर्मशाला गया था आई एम गुड फॉर एवरी थिंग राम विश्व वॉड का जो एक और जब एक ख़त्म हो जाती है तो दूसरी शुरू हो जाती है <laughs> 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 दूसरी मेरी प्रायोरिटी अभी इस वक्त है कि आई नीड टू गेट दिस होल ये जो यूफोरिया मेरे दिमाग में चल रहा है ये जो बैंड बाजा बारात हो रहा है अंदर uh, उससे थोड़ा सा नीचे उतरू ज़मीन पे आऊँ क्योंकि मैंने स्कैम मैं आ, बिल्कुल भी ये, मतलब uh, थोड़ा सा वैसा लगता होगा uh, क्या कहते हैं उसे सेल्फ ऑब्सेशन बट इट्स नॉट लाइक दैट मैंने स्कैम बार 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 कम से कम भी सात आठ बार देख लिया सारे एपिसोड्स खुद ने मेरी सबसे बड़ी ऑडियंस मैं ही हूँ तो वो मैंने इसलिए देखा क्योंकि मैं देखना चाहता था कहाँ मैंने क्या गलती की है मैं पकड़ना चाहता था कि नहीं ये गगन ये तूने ठीक नहीं किया अरे यहाँ पे तूने ये नहीं किया अच्छा यहाँ पे तेरा फंबल हुआ है यहाँ पे तेरा ये हुआ है वो सब देखने के लिए फिर मैंने प्रतीक को मैसेज किया एक दिन मैंने बोला कि अच्छा बाबा ये बताओ कि तुमने कितनी बार स्कैम देखा है अब नाइन्टीन मैं इट्स एन एक्टर रिलेटेड क्वेश्चन यू कैन चूज़ नॉट टू आंसर उसने बोला अभी रियलाइज हुआ है मुझे कि मैंने एक बार भी स्कैम 1992 पूरा नहीं देखा है मैंने सिर्फ बिट्स एंड पीसेस देखे एडिटिंग के दौरान अच्छा तो मैं कहता कि हाँ अभी मुझे रियलाइज हो रहा है यार मैंने देखा ही नहीं स्कैम इसके बोला बाबा देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया अपना काम देखना चाहिए मैं तो अपनी गलतियां निकाल रहा हूँ यहाँ बैठ के तो ये बात हमारी अभी हुई अब नए जो रोल्स ऑफर हो रहे हैं आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू हाउ टू मेक दैम यू नो डिफरेंट और हाउ टू चूज अ रोल विच इज़ इज हैविंग अ लिटल डिफरेंट इम्पैक्ट बिकॉज हमारे यहाँ इंडस्ट्री में माने या ना माने एक टाइप कास्टिंग हो जाती है कि अगर आपको उन्होंने ऐसे देख लिया है तो अब आपको वैसे ही रोल ऑफ़र करेंगे जो वैसे दिखने वाले होंगे तो मुझे काफ़ी बाप के बड़े बूढ़ों के रोल ऑफर हो रहे हैं और मैं उनको ये बोल रहा, रहा हूँ कि मैंने कहा कि यार वो मत देखो वो तो मैंने बनाया था मैं ऐसा हूँ अब इसको देख के बनाओ अपना रोल यू नो तो उस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा यू नो छः प्रोजेक्ट एक साथ करने हैं क्योंकि मुझे अभी जीप खरीदनी है या मुझे एक घर तो लेना ही है फटाफट आई एम चिल्ड मेरे इतना पैसा है मेरे पास कि मैं आने वाले आठ नौ महीने निकाल सकता हूँ दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज नफ फॉर मी तो आई टेक माई टाइम आई चूज़ द प्रोजेक्ट्स बट डू यू एम फॉर दैट काइंड ऑफ स्टार्टम और वर्क वर्क तो चलो अब मैं नहीं पूछूंगा फिर देन इट बिकम्स वर्क का पता नहीं यार मैं ना काफी ना इंटरव्यूज पढ़ रहा था आजकल मैं और देख रहा था ऑन इंस्टाग्राम एंड अदरवाइज सबके अपने अपने व्यूज हैं बट आई डोंट नो हाउ पीपल लाइक से मैं बहुत बड़ा नाम ले रहा हूँ लाइक like शाहरुख खान और पीपल लाइक सलमान खान है ना हाउ दे हैंडल दिस दिस कॉन्स्टेंट सर्विलेंस ऑफ देयर लाइफ कि कैमरा लेके लोग घुसे हुए हैं उनकी लाइफ में ना सेल्फ़ीज़ इधर सेल्फ़ीज़ उधर उसको हर दिन मन्नत पे आके उसको हाथ हिलाना पड़ता है चुनना ऐसे देना पड़ता है उसके फैंस हैं उनकी लाइफ में हमेशा स्क्रूटनी चलती रहती है कुछ ना कुछ पेपरजी पीछे पड़ी रहती है आई डोंट नो हाउ विल आई हैंडल इट बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर दैट एंड आई एम अ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ अ पर्सन जैसे मैंने बोला तो मुझे इसीलिए सुकून है इस बात का कि एक आदमी पहचान ठीक है दो आदमी पहचान ठीक है लेकिन सड़क पे बाहर निकले दस लोग आपको पकड़ लें तो मेरे लिए वो शायद मुश्किल हो जाएगा प्लस आपका फिर शायद आई डोंट नो जस्ट आपका अभी तक एक life का एक लाइफ का पैटर्न भी सेट हो गया था ना विद ऑल द वर्क यू आर डूइंग अब कोई 18 19 साल का लड़का हो वो तो स्टिल एक्सप्लोर कर ले बिल्कुल अब तो सेट होने और सडनली बिल्कुल चेंज हो जाए इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली आपके मैंने वीडियो देखी थी पार्टी की आपने बात करी तो वहां पे आई थिंक आप और प्रतीक गांधी और कुछ कुछ स्पार्कलिंग गन्स वगैरह तो इस पर्सनालिटी से इस पर्सनालिटी में आने में क्या लगा आ, मैं गया बिल्कुल नहीं था वो मुझे पूछा गया था मैंने कर दिया बस क्योंकि मुझे वो समय की डिमांड थी इट्स लाइक दैट वाज द स्क्रिप्ट रिटन फॉर मी सो आई हैड टू परफॉर्म दैट एज एन एक्टर ओवर देयर सो मेरा कैरेक्टर गगन था उस वक्त उन्होंने कहा गगन के कैरेक्टर में ये परफॉर्म कर दो और मैंने वो कर दिया पर्सनली uh, और मुझे पता भी नहीं था ये सब प्लान था उन्होंने तो हाथ में दे दी चीज़ें तो मैंने कर ली uh, और प्रतीक मुझसे कहता जा रहा था कहता ये शुरुआत है अभी देखो तुम्हें बहुत बार ऐसा करना पड़ेगा मैंने बोला हाँ है थोड़ा सा घबराहट है मुझे उस बात की तो रोल की घबराहट मुझे नहीं होती बट पब्लिक अपेयरेंसेज इंटरव्यूज़ हाउ टू बी इन फ्रंट ऑफ पीपल वो सब मेरे लिए नया है तो uh, मैंने एक जगह आपने बोला था कि आप यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स यस तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मेरे दादाजी जो थे वो uh, फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी सजग थे ही वॉज़ वेरी एक्टिव इन दैट एंड ही हैज़ गॉन टू मेनी टाइम्स ही वॉज़ इन द जेल वन माई फादर एंड हिज ब्रदर्स व ग्रोइंग अप तो वो काफ़ी मतलब आंदोलन वगैरह और यू नो प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लेते थे और इस वक्त मतलब ही ही इज़ अ बिग नेम इन द सिटी दैट आई बिलोंग टू पठानकोट उनके नाम पे जो उन्होंने खोला था एशिया का सबसे बड़ा गर्ल्स हॉस्टल है तुगलवाल नाम के एक गांव में जो कि हमारा ख़ानदानी गांव है तो वो आज भी चल रहा है जहाँ पे uh, गरीब घर से या जो थोड़े पिछड़े हुए घरों से आई हुई लड़कियाँ जिनके पास फीस के पैसे नहीं हैं शायद या उतना नहीं है, उनको फ्री में रहने की जगह दी जाती है और उनकी पढ़ाई करवाई जाती है सो ही ही एंड हिज पार्टनर ओपन दैट स्कूल एंड इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट एशियन स्कूल फॉर गर्ल्स इट्स स्टिल देयर मेरे डैडी को इसका बिल्कुल शौक़ नहीं था वो बचपन से धर्मेंद्र के प्यार में पागल थे तो वो सोलह साल की उम्र में भाग गए थे घर से अ, मेरी दादी खुद भी एक फ्रीडम फाइटर थी वहीं पे जब उन दोनों मिले थे दादाजी और दादी जी तो उनकी शादी करवाई गई थी और उसके बाद में ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन लाइक हमारे घर में कलर टीवी अलाउड नहीं था क्योंकि ये बच्चों को बिगाड़ देगा अगर रात को खाना खाना है तो रात को खाना खाते वक्त सिर्फ दो रोटियां मिलेंगी और सब्ज़ी और दाल मिलेगी दाल और सब्जी आप दोबारा ले सकते हो लेकिन अगर एक्स्ट्रा रोटी मांगी तो डांट पड़ती थी और मार पड़ती थी कभी कभी अगर आपने ज़िद की तो और मतलब स्ट्रिक्ट इतने थे कि मारने के नए नए तरीके सज़ा कैसे दी जाती है उसके काफ़ी उन्होंने इन्वेंशन किए थे जैसे कई बार बताते हैं ना इसमें फिल्मों में बताते हैं कि टॉर्चर करने के क्या क्या तरीके होते हैं अलग अलग तो उस तरह के तरीके उनके काफ़ी थे मेरे आपने क्यों नहीं शादी करी अभी तक मैंने शादी नहीं की क्योंकि आई डोंट पर्सनली बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एज सच लाइक मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पार्टनर के साथ पिछले आठ नौ साल से रह रहा हूँ हमने दोनों ने ही शादी नहीं की और मैंने ये भी कहा है अपने पार्टनर को कि जिस दिन तुम्हारा दिल करेगा जिस दिन तुम्हें वाकई में लगे मैं तैयार हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर यू आई विल डू इट बट अगर हम दोनों को ही नहीं लग रहा है तो जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट अ वैलिडेशन फ्रॉम द पीपल कि नहीं अब तुम शादीशुदा हो तो उसके लिए करने की जरूरत नहीं है वो ऐसा लगना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं बट वाई डोंट यू बिलीव इन इट सी आई सीन एक तो uh, मैं बहुत आलसी हूं जैसे मैंने कहा मुझे लीगल डॉक्यूमेंट्स से बहुत छिड़ होती है तो पहली बात तो तुम शादी करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स पे जाके साइन करोगे तुम ये ये सबमिट करोगे फॉर्म वो सबमिट करोगे फिर तुमको दो गवाह लाने पड़ेंगे इतना करने के बाद एक साल बाद तुम्हारा दिल करेगा डिवोर्स करने का अगर तुमको फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा तो मैं उस झंझट में मुझे नहीं पढ़ना ये एक बेसिक रीजन है नॉट द ओनली रीज़न बट दिस इज द बेसिक रीजन दे हम दोनों साथ में आए हम दोनों रहने लग गए हमारी दोनों की मर्जी हमको अलग अलग हो रहा होगा हम दोनों की मर्जी मतलब क्यों मैं जाके किसी को फॉर्म भरूं क्यों किसी को बुलाऊं तू मेरा विटनेस रहे हम साइन करेंगे कोई जज आके मुझे बताएगा फिर वो जज पूछेगा क्यों तलाक देना चाह रहे हो भाई अरे हमारा दिल नहीं कर रहा यार एक दूसरे के साथ सिंपल है अब उसके लिए मैं केस करूंगा फिर अटर्नी के पास जाऊंगा कितना काम है ये अब उससे अच्छा मैं थोड़ा टाइम अपने काम में लगा लेता हूँ जिससे थोड़ी एक्टिंग बेटर कर पाता हूं। बच्चों का शौक नहीं है? बच्चों का शौक अभी तो नहीं है लेकिन अगर जैसे मैंने पहले कहा मेरे पार्टनर को मैंने कहा है कि अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे बिकॉज एक आई अंडरस्टैंड मेल एंड फीमेल फीलिंग्स अबाउट दिस मैटर कैन बी डिफरेंट आई डोंट नो हाउ इट फील्स टू कैरी अ चाइल्ड इन साइड मी आई डोंट अंडरस्टैंड टेक अवे दैट फीलिंग इफ़ यू वॉन्ट टू फील दैट गुड इफ़ यू इफ इफ अगर माँ का ममता जो है आपके अंदर उमड़ रही है और आपको एक बच्चा पैदा करने की इच्छा है या वाई नॉट लेट्स गो एंड ट्राई इट एंड अब इस मामले में जैसे हंसल सर हमारे हैं uh, uh, उन्होंने अब जा की शादी की है yeah. अभी पिछले साल ही उनकी शादी हुई है तो वो शादी तो कभी भी हो सकती है शादी करना बहुत मतलब अपार्ट फ्राम दैट लीगल थिंग और कोई बड़ी चीज़ है नहीं है शादी आजकल और ना ही मुझे वो, वो उन शादियों का शौक़ है जहाँ पे पूरे कॉर्नर से दुनिया के मेहमान आते हैं और सब पागल होकर डांस कर रहे हैं फिर अगले दिन सुबह अपने अपने घर चले जाते हैं और तुम तो वही रह जाओगे दो लोग आई यू क्यूरियस कि भाई एज अ फादर आप कैसे होगे क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है वैन पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट दे लेकिन गो आईधर बिल्कुल ही सॉफ्ट और बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट लाइक योर फादर सो आप कैसे हो गे? मुझे खुद नहीं पता मैं कैसा होऊंगा टिल आई ट्राई इट आई विल नॉट नो यस आई वुड ट्राई टू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स वॉट माई फादर मस हैव डन और हिज पेरेंट्स वुड हैव डन काइंड ऑफ कंट्रोलिंग एटमोस्फेयर और ट्राइंग टू टेल राइट एंड रॉन्ग बाई कंट्रोलिंग दैम एंड नॉट लेटिंग दैम डिसाइड के उनको चॉइस भी करने का अधिकार होना चाहिए सरप्राइजिंगली मैं मानता हूँ कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं होंगे लेकिन जितने मेरे दोस्त हैं जितने मेरे करीबी लोग हैं वो मानते हैं कि गगन बट वी कैन सी दैट यू विल बी अ वेरी गुड फादर ऐसा उन्होंने मुझे बताया है लेकिन स्टिल आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ ये तो मैं तभी पता कर पाऊंगा जब मैं ये कदम उठाऊंगा तो सो इट विल विल टाइम टेल आपका उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुआ डिसीजन नहीं मेरा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था मैं एक्चुअली बनना चाहता मैं जाना चाहता था आर्मी में अच्छा हाँ मैंने आर्मी के एग्जाम्स भी दिए थे बचपन में पठानकोट से लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाया था बिकॉज माई स्कूल एजुकेशन सिस्टम वॉज नॉट एट पार विद द कॉन्वेंट स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम जहाँ से लोग मोस्टली सिलेक्ट होते हैं ऑफिसर रैंक्स के लिए अगर मुझे अगर जाना होता तो शायद मैं फिर नीचे से शुरू करना पड़ता मुझे सोल्जर भर्ती होना पड़ता है एंड देन आई वुड मेक माई वे अप वो हो नहीं पाया एंड देन वी लेफ्ट पठानकोट बिकॉज माई माई दीदी हैड लिटल बिट ऑफ मेमरी ऑफ बॉम्बे जब पापा पहले यहाँ पर आए थे और मैं भी यहाँ पर बहुत छोटा था दो साल एंड इन एटी जब uh, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में जो दंगे हुए थे पूरे देश में जहाँ पे सरदारों को स्पेशली पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा था बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन्स तो हमारे यहाँ पे जो पापा की एक दुकान थी जहाँ पे वो बैटरी रिपेयरिंग का काम करते थे वो दुकान पूरी जला दी गई थी तोड़ दी गई नोर आई कैन से नॉट आजकल बहुत सारे शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बट विदाउट ट्राइंग टू ऑफेंड एनी कम्युनिटी और एथनिक हम मैं मैं सरदार हूँ और मेरे बाल कटाए हुए हैं मैंने और मेरे पापा ने हीरो बनने के लिए बचपन में कटा दिए थे तो उन्होंने हमारे भी कटा दिए थे बचपन में ही तो उस वक्त मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ में नहीं थी जब मेरे बाल कटाए मैं होंगे तीन या चार साल का एंड देन आई थिंक हुआ फिर उसके बाद में उन, द, जब दुकान दुकान जला दी गई तोड़ दी गई तो हमको वापस पठानकोट जाना पड़ा देन वी स्पेंड फ्यू इन पठानकोट दिल्ली ऐसे अप डाउन करते करते कुछ साल दिल्ली के स्कूल में पढ़ा कुछ साल पठानकोट के स्कूल्स में पढ़ा तो आप मीरा नायर के साथ कैसे जुड़े मैं अपने एक दोस्त के साथ रूममेट बन के रहता था और वो आधा रेंट देने के भी पैसे नहीं उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं इसके तुझे पांच लाख रुपया दूंगा

और मुझे एकदम ऐसा करके कुछ एक लुक देते हैं तो मैंने बोला क्या हुआ क्या, हुआ, क्या कर रहे हो ऐसा तुझे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं लुक दे रहा हूँ तुझे ताकि तुझे गुस्सा आए आपका अब अपने टीम भी हम अपनी क्रिएट कर ली विद मैनेजर पूरा ऑन जैसे चल रहा है साथ में नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं अभी भी रिक्शा में आता हूँ सर मेरे पापा अभी आपको लव भेज रहे हैं मैंने कहा थैंक यू अपने पापा को भी लव भेज बोल दो